जय श्री कल की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, लक्ष्मण रेखा लोग पार कर चुके हैं, स्थिति सामान्य बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। दरअसल आज वो घट गई घटना जिसकी शायद कल तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महाराष्ट्र में साईं बाबा को बहुत ही श्रद्धापूर्वक न सिर्फ देखा जाता है, बल्कि शिरडी के साईं बाबा में लाखों भक्तों की भीड़ हर दिन पहुंचती है और महाराष्ट्र के लोग साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। लेकिन उन्हीं साईं बाबा की मूर्तियों को करीब 14 मंदिरों से वाराणसी में धनाधन एक के बाद एक बाहर निकाल दिया गया, जबकि अब तक उन मंदिरों में जो शंकर भगवान का मंदिर है या बड़ा गणेश मंदिर है, वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति को भी स्थापित किया गया था, उनकी भी पूजा होती थी। लेकिन अचानक देखिए वक्त का तकाजा, जब मैंने बहुत कंटिन्यू, मैं 10-15 दिनों से सितंबर महीने के वीडियो में मैं आपको लगातार कहते चली जा रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ होती चली जाएंगी जो धर्म से रिलेटेड होंगी, भक्ति से रिलेटेड होंगी। और अब देखिए 9 अक्टूबर को यह अक्टूबर महीना स्टार्ट, और पहले ही दिन 9 अक्टूबर को जुपिटर अभी वक्रीय होंगे, टाइम है 2 अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर को मैं वीडियो दे रही हूँ, 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 3 अक्टूबर से नवरात्रा स्टार्ट, शारदीय नवरात्रि स्टार्ट। लेकिन उसके पहले ही 1 अक्टूबर को घट गई वो घटना। दरअसल द्वारका पीठ के शंकराचार्य के बयान के पश्चात ये विवाद उठ खड़ा हुआ और अब एक्शन में आ गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि साईं बाबा को हम भगवान नहीं मान सकते। आज हिंदू संगठन भी उन्हीं की इस बात को मानते हुए उन्होंने भी कह दिया कि पुराणों में कहीं पर भी साईं बाबा का जिक्र नहीं है, और बहुतों ने उन्हें कह दिया कि वो मुसलमान थे, अगर वो मुसलमान थे तो फिर उनका मंदिरों में क्या काम। इसलिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक उनकी मूर्तियों को बाहर निकालकर कपड़े से ढक दिया गया। अब आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जिन साईं बाबा को लोग इतना अधिक विश्वास, उनके यहाँ सब लोग जाते हैं, केवल मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा का मंदिर जो मनोज कुमार ने बनवाया था बहुत ही अच्छा, एक डिवाइन टेंपल है, वहाँ जाकर फील होता है, कुछ अच्छा फील होता है। तो उन मंदिरों में से अब जितने भी गणेश जी का मंदिर है या शंकर भगवान का मंदिर है, वाराणसी से ही 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को निकाल दिया गया है। ये एक अलग अनोखी घटना फिर से एक बार देखी जा रही है, भक्तों की आस्था से अगेन खिलवाड़ किया गया है। जो भक्त साईं भक्त हैं, अटूट श्रद्धा है, अब उनकी आस्था पर अगेन गहरी चोट लगी है। मैंने अपने वीडियो में कई वीडियो में लगातार कह रही हूँ कि हालात जो हैं कुछ गंभीर परिस्थितियों की ओर संकेत दे रहे हैं। अब तू तू मैं फिर से एक बार होने वाली है। हिंदू मुसलमान वैसे भी आमने सामने आ चुके हैं, ये तो हमारे देश की बात, जो और मैं कहती हूँ कि क्या होगा, सत्ता पक्ष और सरकार जो सत्ता पक्ष है वो और विपक्ष दोनों आमने सामने आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी। अगेन उस बात पर फिर से मेरी मुहर लगी है। सेकंड एग्जांपल फिर से मैंने आपको जो दिया था अब बतलाती हूँ, सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आए हैं, जो एक इनोवेटर हैं और जो लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें भी बतलाते हैं, लेकिन दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट करने का मतलब नहीं था, क्यों कारण 163 5 अक्टूबर तक लागू कर दिया गया है। कारण वहां पर कुछ ऐसी आशंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैल सकती है, इसलिए पहले ही अशांति ना हो तो 163 धारा लागू कर दी गई कल से, यानी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, 5-6 दिनों के लिए। अब सोनम वांगचुक चूंकि शांतिप्रिय ढंग से ही अपने प्रोटेस्टर के साथ, अपने फॉलोअर के साथ पहुंचे थे, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और उनके जो 120
उनके साथ में जो लोग थे उन्हें भी, लद्दाख से जो लोग आए थे दिल्ली में प्रोटेस्ट करने, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब लगातार मोदी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक होना लाजमी है और ये होना ही है, क्योंकि प्लैनेट्स आज की परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। ये तो हमारे देश की बात है। और एक मैंने कहा था कि महंगाई बढ़ने वाली है, तीसरी बात एक मैंने कहा था कि स्थिति सामान्य नहीं रहेगी, आंदोलन होंगे चाहे वो किसी भी तरह से हो। दूसरा मैंने कहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सरकार को घेरे में लोग लेकर आएंगे, सवाल या निशान उनके एक्शन पर खड़ा होगा। और तीसरी बात मैं जो हमेशा कहती हूँ कि महंगाई बढ़ने वाली है, आज 1 अक्टूबर 2024 LPG सिलेंडर अगेन बढ़ गए उसके प्राइस। अब एडिबल ऑयल भी बढ़ेगा, ग्रोसरीज के भी बढ़ेंगे, ऑलरेडी ओनियन और गार्लिक ऑलरेडी उसके भी भाव चढ़े हुए हैं, सब्जियों के भाव आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं, यानी महंगाई का बम ऑलरेडी फूटना स्टार्ट हो गया 1 अक्टूबर 2024 से। ये तो रही हमारे देश की बात, लेकिन अब जो बाहर है यानी इसराइल, जो आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल उसने कमर कस ली है, अब वो लेबनान बॉर्डर तक पहुंच चुका है, भारी संख्या में इजरायली सैनिक वहां पर मौजूद हैं। और ईरान में आज ही के दिन एक आईफोन में ब्लास्ट हुआ है, और तब से लेकर अब तक जिस समय वीडियो बना रही हूं ईरान में भी बहुत अधिक चौकन्नी निगाह रखी जा रही है हर तरफ कि कहीं पेजर अटैक, मोबाइल अटैक जो हुआ लेबनान में, वही चीज़ कहीं ईरान में तो नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि ईरान भी बहुत आंखें दिखला रहा है इसराइल को, तो सबक तो सिखलाना ही पड़ेगा। वैसे भी नेतन्याहू ने ऑलरेडी सबके सामने कह दिया है कि अगर आतंकवादियों ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो पाताल लोक में भी जाकर उन्हें ख़त्म करेंगे। इसराइल कहीं पर भी पहुंच सकता है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, इतनी उसके पास ताकत है। तो भले ही उसने अभी फ़िलहाल हिजबुल्ला के चीफ को मार गिराया, नेक्स्ट टारगेट हुती का चीफ है इसराइल के निशाने पर, यानी हुती चीफ भी उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं अभी छिपा दिया गया है, लेकिन हमास हिजबुल्ला इसके बाद हुती का टर्न। और ईरान ने अगर कोई चालाकी की तो ईरान भी बचेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी इसराइल में मीटिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से आतंकवाद को ईरान में भी ख़त्म करना है और लोगों को एक स्वतंत्र जीवन देना है, जो ईरान में अब तक लोगों को नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मैंने कहा रेड लाइन अब क्रॉस हो चुकी है। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई में ये जो देवासुर संग्राम स्टार्ट हुआ है, इसमें आने वाला समय बिल्कुल गंभीर परिस्थितियों की ओर संकेत दे रहा है। लगातार हर दिन धर्म से रिलेटेड भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों की आस्था से खिलवाड़, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कि लोग आहत होंगे, और ये होना ही है, इसे कोई नहीं टाल सकता। तो साईं बाबा के जितने भक्त उनको लगी गहरी चोट, एवं जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, अब उनके सपोर्ट में बहुत लोग आ गए। एक और बात, हमारे ही देश में रहकर हमारे ही देश के लोग, जो नसरुल्लाह मारा गया, अब उसके लिए घड़ियालियों आंसू नसीब बहा रहे हैं, बल्कि कश्मीर की सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में प्रोटेस्ट करने के लिए झंडे थमाए जा रहे हैं और स्लोगन लगाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि वो मारा गया, बेचारा बहुत अच्छा इंसान था, हमें बहुत अधिक दुख है। आखिरकार आतंकवाद जब ख़त्म हो रहा है तो उस पर दुखी हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू संगठनों के ऊपर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, नौकरी से उन्हें निकाला जा रहा है, उस पर कोई भी आंसू क्या, कोई दो शब्द भी नहीं बोल रहा है। यही है उठापटक का दौर आज के समय का। तो भगवान कल्कि का न्याय होकर रहेगा हर किसी के साथ, और हर एक, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, समुदाय का हो, बचेगा कोई नहीं। जिसने भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है वो तो मरेगा ही, चाहे अभी या बाद में, लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, जैसा कि सीता मैया को भी भुगतनी पड़ी थी। लक्ष्मण रेखा उन्होंने भी क्रॉस कर ली थी, और रावण जो साधु के वेश में आया था
लेकर चलता बना सीता जी को। तो बहुत बड़ा संदेश आज के समय में लगातार प्रकृति के द्वारा हमें भी मिल रहा है, लेकिन इंसान की अक्ल ठिकाने नहीं लग पा रही है। आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन खुलकर सारी बातें मैं सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब पर नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे सामने भी एक लाइन ड्रॉ रहती है यूट्यूब के द्वारा भी और अपने द्वारा भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।